मेरा नाम सालू है मैं और मेरे पति बिमल एक बड़े शहर में रहते हैं उनकी अच्छी नौकरी है शादी के बाद मैं बिमल के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी वहाँ वह करीब दो साल से रहते थे वे बहुत सुबह काम पे चले जाते तो मैं घर में अकेले रहती शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी उसे मेरे साथ वाले घर में काम करने वाली बाई से पता चला था कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है उसने अपना नाम मुन्नी बताया दिखने में वह बहुत सुंदर थी वे हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी वे जब मुझसे बात करने आई तो मैंने उसे रख लिया और अगले दिन से काम पर बुला लिया अगले दिन सुबह सुबह ही वह मेरे दरवाजे पे आ गई विमल के आपिस का टाइम सुबह नौ बजे का है वे रसोई घर में अपना काम कर रही थी विमल आप के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आए आते ही उन्होंने मुन्नी को देखा मुन्नी को देखते ही हुए किसी सोच में पड़ गए और मुन्नी ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरे भी बदल गए मुन्नी उन्हें कुछ देर ऐसे ही देखती रही फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी जब उसने दिखा कि मैं उसे देख रही हूँ तो वह हड़बड़ा गई और फिर अपने काम में लग गई बिमल के साथ भी ऐसा था बिमल और मुन्नी जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उनसे ऐसे लग रहा था कि ये दोनों की पहली मुलाकात नहीं है मैंने विमल से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो वह बोले हाँ देखी सी लग रही है शायद इसी बिल्डिंग में काम करती होगी आते जाते देखा होगा मैंने भी सोचा हाँ हो सकता है उसके जाने के बाद मैंने मुन्नी से बात की पूछा कि पहले इस जगह पे कहाँ काम किया है वह बोली नहीं मैडम मैं तो पहली बार आई हूँ मुन्नी फिर मुझसे पूछती मैडम क्या आपके पति हैं मैंने बोला हाँ क्यों क्या हुआ वह बोली नहीं मैडम कुछ नहीं बस ऐसे ही पूछी अगले दिन मुन्नी काम पर आई तो मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से खुली मैं अपने बिस्तर पे सो रही थी बिमल उठकर तैयार हो रहे थे थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो बिमल कमरे में नहीं थे मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई तो दरवाज़े पे गई तो मैंने देखा कि वे मैंने सोचा नहीं था बिमल गुस्से में थे और मुन्नी उसके आगे हाथ जोड़ रही थी एक मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही उन दोनों ने अपनी मुझे नहीं देखा था मैंने वही खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी लेकिन उसी पल मुन्नी की नज़र मुझ पे पड़ गई और वे फिर अपने काम में लग गई ऐसे ही कुछ दिन बीत बीतने लगे बिबल मुझे देखकर मेरे पूछे बिना बोले कि मैं यहाँ यह देखने आया कि नाश्ता बना है कि नहीं आप इसके लिए लेट हो जाऊँगा मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ न कुछ बात तो है जो यह दोनों छिपा रहे हैं मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा विमल के आपिस जाने के बाद मैंने जब मुन्नी से पूछा क्या बात कर रहे थे वे तुमसे उसने कहा मैडम कुछ नहीं उसने ही कुछ नहीं बताया मैंने सोचा कि अपनी नौकरानी को निकाल देती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा अभी उसे निकाल लूँगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या बात है मैं इसी उधेड़ बुन को सोचते सोचते मेरा सारा दिन निकल गया उसने सीधे सीधे मैंने सोचा कि मैं उससे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ शाम को वह घर आए हम बैठकर खाना खा रहे थे मुन्नी किचन में खाना बना रही थी मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है कैसा खाना बनाया है बिमल मुन्नी के सामने ही कहने लगे नहीं ठीक है अच्छा है ऐसा ही खाना बनाती रहना मेरे पति यह क्या कर रहे थे एक नौकरानी की इतनी तारीफ रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं लेकिन मुझे पता था कि वे फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी रही बिमल उठकर तैयार हो रहे थे मुझे लगा था कि आज भी शायद वह किचन में जाएंगे और वैसा ही हुआ वे किचन में गए मैं भी चुपके से उनके पीछे गई वह यह देखने कि आज बिमल क्या करने वाले हैं बिमल ने आज भी कुछ किया आज विमल मुन्नी को रुपया दे रहे थे मेरे घर में यह क्या हो रहा है तीन दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पे ऐसा क्या जादू चला दिया है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं? कैसे इन दोनों के सवाल का कैसे अपने सवाल का जवाब इन दोनों से लूँ मैंने फिर सोच लिया कि मुझे क्या करना है उस शाम विमल घर आए घर आने के बाद उन्होंने कहा कि मुन्नी को चाय मुन्नी को बोलो कि वह हमारे लिए चाय बना दे मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ वह बोले कि क्यों वे नहीं आई मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है मैंने उनसे उसे काम से निकाल दिया अब नहीं आएगी विमल बोले क्या क्यों कुछ किया क्या उसने मैंने कहा हाँ उसने पैसे चुराए थे तब बिमल कहने लगे उसने पैसे नहीं चुराए थे उसको पैसे मैंने दिए थे मैं तो यही सच्चाई बिमल के मुंह से सुनना चाहती थी कि आखिर बिमल मुन्नी को पैसे क्यों दिए थे बिमल का उससे क्या रिश्ता है मैंने बोला क्यों आपने क्यों दिए थे वे भी इतने पैसे किस बात के लिए तो उन्होंने कहा कोई वैसी बात नहीं थी फिर मैंने जिद किया नहीं बताइए ऐसी कौन सी बात थी किस बात के लिए उसको आपने पैसे दिए थे कौन सी बात नहीं बोलने के लिए आप उसे पैसे दे रहे थे विमल तुम पागल हो गई हो तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ या तो सुनो मुन्नी की एक लड़की है करीब सात साल की वे रोड पर खेल रही थी मेरी कार से टकराते हुए बची लेकिन वह डर कर गिर गई मुन्नी का पति शराबी है उस दिन वे मुझसे लड़ने आया मुन्नी भी उसके साथ थी भीड़ जमा हो गई मुझे वे मुझे बिना बात पैसे मांगने लगा और उस दिन उसका साथ मुन्नी ने भी दिया वह मुन्नी का पति उस समय नशे में धूत था वे कुछ भी कर रहा था इसलिए मैंने बात को ख़त्म करने के लिए उसे पैसे दे दिए मुन्नी को देखते ही मैं पहचान गया कि यह वही औरत है जो उस दिन मेरे से भिड़ी हुई थी वे मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए वह मुझसे बार बार माफ़ी मांग रही थी मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने पति का साथ दिया था प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए अब उसके पति से अलग रहने लगी है और उसकी माँ और बच्ची की ज़िम्मेदारी उस पर है इसलिए वह हमारे सामने हाथ जोड़ रही थी कि हमें इस नौकरी से मत निकालिए अगर ये बात मैडम जान जाएंगी तो हमें नौकरी से निकाल देंगी मुझे भगा देंगी इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वे अपना घर चला सके जब मैं इनकी ये सब बातें सुनी उनकी आंखों में मुझे ईमानदारी दिखने लगी और तुमने उसे निकाल दिया ये काम उसके लिए सहारा है ग़रीबी से लड़ने के लिए जब मैं इनकी ये सब बातें सुनी तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं एक बार इनसे पूछ तो ली होती वे मेहनत कर रही थी कुछ गलत काम नहीं कर रही थी मुझे इनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे ना वे सब सोचना चाहिए था ना उसे काम से निकालना चाहिए था मैं एक बार इनसे पूछ ली होती आखिर में सच्चाई और असलियत क्या है तो आज मुन्नी हमारे घर में काम करते होती इसी से कहते हैं दोस्तों हर रिश्ते पे और हर बात पे सब करना अच्छा नहीं होता है और ख़ास करके पति पत्नी के रिश्ते में अगर हमारी ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे बुलबुल बुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि ये गरीब भी आगे बढ़ सके नमस्कार